टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी अभिनीत मूवी बागी 2 30 मार्च को रिलीज हो चली है। बागी 2 2016 की मूवी बागी की अगली कड़ी है। इसे कोरियोग्राफर अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया है। इस मूवी के अंदर रोमांस और एक्शन एक साथ देखने को आपको मिल जाएगा। यह मूवी अपने एक्शन सीन्स के अलावा अपने गाने के लिए भी चर्चा में है, मुख्य रूप से तेजाब का गाना 1 2 3 का नया होना। यह मूवी 2018 की अपने पहले दिन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। इस मूवी ने पहले दिन 25 करोड़ की कमाई कर ली है और ये एक बेहद ही अच्छी शुरुआत है। और दूसरे दिन की बात करें तो इसने 20 करोड़ कमा लिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 कारण हैं जिनकी वजह से आपको ये मूवी देखनी चाहिए। पहला कारण, यह एक प्रेम कहानी है। बागी 2 टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्क्रीन पर एक साथ दिखेंगे। दिशा कथित रूप से टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए इन दोनों का ऑन स्क्रीन रोमांस और केमिस्ट्री देखने के लिए भी दर्शक बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। बागी 2 में एक्शन होने के अलावा मूलतः यह मूवी एक प्रेम कहानी है जो युवाओं को ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छी स्टारकास्ट, प्रमुख अभिनेताओं के अलावा मूवी में रणदीप हुड्डा, मनोज वाजपेयी भी शामिल हैं। यह दो बहुमुखी कलाकार अपने कमाल के प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं और दर्शकों को मूवी के ट्रेलर में उनके अभिनय की एक झलक भी देखने को मिलती है। मूवी में रणदीप का निभाया किरदार उनके पहले किए गए किरदारों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। दमदार एक्शन, बागी में टाइगर के एक्शन को खूब सराहा गया, लेकिन बागी 2 में वो इसे एक अलग लेवल पर ले गए हैं। बागी 2 में आपको टाइगर के कुछ वाकई शानदार एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। एक्शन फिल्म के प्रशंसकों को यह मूवी ज़रूर देखनी बनती है। टाइगर और दिशा की पहली मूवी जो कि एक साथ है। टाइगर की प्रेमिका दिशा पटानी को आखिरी बार कुंग फू योगा में देखा गया था। यह पहली बार है जब ऑफ स्क्रीन रोमांस को आप ऑन स्क्रीन देख पाएंगे। मूवी का संगीत, जैकलिन फर्नांडिस के 1 2 3 गाने को शानदार प्रतिक्रिया मिली। मूवी भी फिल्म की कामयाबी में गानों की अहम भूमिका है और यह गाने दर्शकों को थिएटर तक खींचने में महत्वपूर्ण कारण बन चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने बागी 2 देख ली है तो ये आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले।